चंदौसी में दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर प्राचीन संत रविदास मंदिर को तोड़े जाने के विरोध में भीमराव सेना चंदौसी के तत्वावधान में विभिन्न दलित संगठनों के लोग सड़क पर उतरे और जुलूस निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन किया। तहसील मुख्यालय पहुंचकर उप जिलाधिकारी को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपकर नई दिल्ली में संत रविदास मंदिर के पुनर्निर्माण कराए जाने के मामले में जंतर मंतर पर चंद्रशेखर के साथ पकड़े गए 96 लोगों को रिहा किए जाने की मांग की। भीमराव सेना के नेतृत्व में विभिन्न संगठनों के लोग खुर्जा गेट स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क इकट्ठा हुए और हाथों में तिरंगा व नीले झंडों समेत नारे लिखी तख्तियां लेकर जुलूस के रूप में कैथल गेट से बदायूं चुंगी होते हुए तहसील मुख्यालय पहुंचे, जहां SDM की गैर मौजूदगी में नायब तहसीलदार को राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा। इस देश में जहां ये सुप्रीम कोर्ट में लगातार रोज जो राम मंदिर की बात कर रहे हैं, राम मंदिर के नाम पर लड़ाई लड़ रहे हैं, उन तमाम लोगों से सुप्रीम कोर्ट से भी पूछना चाहते हैं, इस देश के शासकों से भी पूछना चाहते हैं कि आस्था को मानते हो या कानून को मानते हो या जमीन के उन कागजों को मानते हो। आपने जिस तरह से दिल्ली के रविदास मंदिर को धराशायी किया, जिस तरह से गिराया, वो निश्चित तौर पर तमाम देश के दलितों की, पिछड़ों की और तमाम आस्था का सवाल था। हम पे आस्था भी हमारी संत रविदास जी में है, जमीन के कागज भी थे, मुगल शासक के लोधी ने उसको बनवाया था, लेकिन आपने ना आपने साक्ष्यों को देखा ना आपने आस्था को देख करके बिन एक तरफ से आदेश कर दिया मंदिर को गिराने का। ये तमाम दलित, देश के दलित संगठन इस बात की मांग करते हैं कि संत शिरोमणि रविदास जी का मंदिर वहीं पुनर्स्थापित किया जाए, क्योंकि आज आपने संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर पर कुठाराघात किया है, कल आप संविधान पर कुठाराघात करोगे। इसलिए तमाम अम्बेडकर अनुयायी ये आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि ना हम संविधान पर आक्रमण सहेंगे, न संत रविदास जी के मंदिर पर आक्रमण सहेंगे। तमाम दलित संगठन आपकी आपके इस बात के खिलाफ लगातार संघर्षरत रहेंगे। यही बात लेकर के, यही मिशन लेकर के चंदौसी के तमाम दलित संगठन आज भीमराव सेना जो सामाजिक संगठन है उसके नेतृत्व में हम लोग आए और ये चेतावनी आए, सरकार को ज्ञापन भी देंगे कि मंदिर वहीं स्थापित किया जाए। धन्यवाद।